देखेगा। मैं अपनी जुबान से कैसे कर सकती, कैसे कह सकती हूँ उनके बगैर जीने से अच्छा होगा क्यों भगवान मुझे मौत दे, नहीं रह पाऊंगी उनके बगैर। अरे रहना तो दूर, ऐसी बात एक पल के लिए मैं सोच भी कैसे सकती। कमाल है कावेरी, एक तरफ तो तुम कह रही हो कि तुम बल्लू के बगैर नहीं रह सकती और दूसरी तरफ तुमने खुद ही बल्लू को प्रीति के हवाले कर दिया। मम्मी जी आप क्या कह रही हैं? क्या कह रही? अरे नई बात तो नहीं कह रही, तुमने पुराने जमाने के किस्से कहानियां नहीं सुने जहां एक एक राजा की कई कई रानियां हुआ करती थी, लेकिन जो राजा की सबसे प्रिय रानी होती थी ना वही पटरानी बनकर राज किया करती थी। मुझे राज करने का कोई शौक नहीं, मैं जैसी हूं वैसी ठीक हूं। ठीक है, लेकिन आज तुम जैसी हो जरूरी तो नहीं कि कल भी वैसी ही रहोगी। आप कहना क्या चाहती हैं? अरे जो सच है वही कह रही हूं। देखो माना कि प्रीति और बल्लू के बीच अब कोई संबंध नहीं रहे, लेकिन कभी तो थे, इसीलिए तो कसक पैदा हुई है। तो जाहिर सी बात है कि राख के नीचे कहीं ना कहीं कोई अंगार तो अब भी बाकी हो। ये आप क्या कह रही हैं? कोई नई बात थोड़ी कह रही हूँ कावेरी, जो सच है वही कह रही हूँ। अब सच तो नहीं बदला जा सकता ना, माना कि तुमने कसक को गोद लिया है, लेकिन कसक है तो प्रीति और बल्लू की बेटी ही, और जब जन्म देने वाली माँ साथ में रहती है तो पालने वाली माँ को कौन पूछता है। मुझे तो डर है कसक कल को बड़ी होकर तुम्हारे लिए बेगानी ना हो जाए। मम्मी जी कम से कम एक दूध पीती बच्ची के खिलाफ ऐसी बातें मत कीजिए। मैं किसी के खिलाफ थोड़े कुछ कह रही हूँ, मैं तो संभावनाएं बता रही हूँ कावेरी, संभावनाएं। एक तो तुमने पहले ही प्रीति के रूप में इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, ऊपर से तुम प्रीति और बल्लू को करीब लाने की कोशिश कर रही है। धन्य हो, मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसी पहली औरत देखी है जो अपने ही घर को आग लगाकर उसी की आंच में अपने हाथ सेके। कावेरी मैं तो कहती हूं अभी भी वक्त है, बेशक बल्लू और प्रीति की शादी हो गई हो लेकिन कानून में इसकी कोई मान्यता नहीं है और बल्लू उससे नाराज भी है। अभी भी मौका है, प्रीति को चलता कर दो यहां से। मम्मी जी अगर यही बात प्रीति आके मुझसे कहे तो क्या मैं आपको भी इस घर से चलता कर दूं? मैं तो तुम्हारे फायदे की बात बता रही हूँ और तुम मुझ पर भड़क रही हो। मैं आप पे भड़क नहीं रही, बस आपको एक संभावना बता रही हूँ। लेकिन बहू मैं तो अब सुधर गई हूँ। मैं जानती हूँ, इसीलिए अब आपके मुंह से ऐसी बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अरे वो तो मैं बस मम्मी जी कोई बात नहीं, वैसे ये देखकर मुझे खुशी हुई कि आपको मेरा कितना ख्याल है, कितना सोचती हैं आप मेरे बारे में। खैर अब चलती हूँ, कसक को दूध पिलाने का वक्त हो गया है। कोई बात नहीं कावेरी, आज तुमने मेरी बात भले ही टाल दी हो लेकिन मैं भी देखती हूँ कि कांटे से कांटा कब तक निकलता है। आप ठीक तो है? क्या बात है? बेटा मैं आज प्रीति से मिलने गया था। तो प्रीति से मिलने मतलब आप बल्लू भैया के घर गए थे?
क्या बात? प्रीति भाभी मिली आपको? अब एहसास हो रहा है कि काश काश अगर मैं वहां नहीं गया होता तो अपनी ही नजरों से अपने ही खून के रिश्तों को तार तार होते हुए नहीं देखना पड़ता। अंकल मामा वो मत कहो, एक वक्त था जब मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा अपना खून, मेरे अपने परिवार वाले मेरी बेटी का बुरा सोच भी सकते हैं, लेकिन अब जो हालात पैदा हो गए ना, उन हालात में कुछ भी मुमकिन है। वीके राजपूत के असली चेहरे के बारे में सिर्फ लोगों ने सुना है, देखा नहीं, लेकिन अगर जरूरत आन पड़ी तो वीके राजपूत उन्हें अपना असली चेहरा भी दिखाएगा और सारे रिश्ते नाते भी तोड़ देगा। अंकल मामा अब गलती तो इंसान से हो ही जाती है। गलती माफ की जा सकती है, गुनाह नहीं, और वो भी तब जब वो गुनाह किसी औरत के खिलाफ किया गया हो। अंकल मामा अब गलती तो इंसान से हो ही जाती है। गलती माफ की जा सकती है, गुनाह नहीं, और वो भी तब जब वो गुनाह किसी औरत के खिलाफ किया गया हो। और यहां ये घिनौना खेल किसी और के खिलाफ नहीं, मेरी बेटी के खिलाफ खेला जा रहा है, वीके राजपूत की बेटी के खिलाफ। खैर जो जैसा है उसे उसी की जुबान में जवाब दिया जाएगा। अरे पुत्र मन्नू, तुम्हारे मामा जी के चेहरे पर ऐसी हवाइयां सी क्यों उड़ रही हैं और वो इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? वो चले गए, उनकी हवाइयां उड़ गई, आपको यहाँ से दिख रही हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके बगल में, मेरे फेस के 12 बजे में आपको दिखाई नहीं देता? अरे दिख गया, तू तो अपने मामा जी से ज्यादा भी चिंतित प्रतीत हो रहा है, क्या हो गया? कि क्या बोल रही हैं आप, चिंतित प्रतीत और हवाइयां और क्या सब, मुझे आपकी शुद्ध हिंदी नहीं समझ आ रही। इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि मुझे इंग्लिश का ABCD भी समझ में नहीं आ रहा। अरे पर बोलेगा भी हुआ क्या? क्या बताऊं मौसी, अंकल मामा मेरी जान की सुपारी देने जा रहे हैं। अब क्या? हाँ, उन्हें पता चल गया है कि प्रीति भाभी को मैंने किडनैप करवाया था और मैं ही उन्हें धमकी देकर जबरदस्ती उनकी शादी करवा रहा था। अरे तब तो क्यों नहीं, ये तो नहीं पता चल गया कि ये सबके पीछे मेरा भी हाथ था? किससे क्या पता चला है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मेरा बैंड बजने वाला बहुत जल्दी। ओह गॉड, ये तो अच्छा होता कि मैं प्रीति भाभी को पहले ही मार देता। अगर ये काम मैंने पहले कर दिया होता तो आज मेरी जान पर यूं बन ना आती। अरे बेटा, लेकिन बिट्टू भाई साहब ने तुझे कहा क्या? डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन इनडायरेक्टली मुझे जान से मरवाने की धमकी दे गए। अरे पुत्र, अगर बिट्टू भाई साहब को तनिक भी संदेह होता ना कि प्रीति के किडनैप के पीछे तुम्हारा हाथ है, तो वो तुम्हें धमकी नहीं देते, बल्कि तुम्हारी यह लीला ना स्वयं ही समाप्त कर देते। क्या कर देते? समाप्त
बात कर देते। नहीं नहीं, मतलब उससे पहले क्या आपने इला ढीला कुछ ऐसा कुछ बोला था? अरे क्या हो गया है आजकल के बच्चों को, अरे हिंदी भाषा कोई बोलते चले जा रहे। ई लीला कहा हमने, इसका मतलब है कि इस दुनिया से ना तुम्हारा खेल ही खत्म कर देते बिट्टू भाई। I see. अरे यू कांट सी पुत्र, तभी तो तुम ऐसी हसरत से पद बातें कर रहे हो। नहीं मौसी ऐसा नहीं है, मैं बहुत घबरा गया था, बहुत डर गया मैं, इसलिए मुझे लगा कि शायद अंकल मामा मेरे बारे में बात कर, लेकिन आप ठीक कह रही, हो सकता है वो मॉम के बारे में बात कर। मगर पुत्र इससे इतना प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं है, अरे आज नहीं तो कल अगर प्रीति ने जुबान खोल दी ना तो तुम तो सदैव के लिए मौन हो जाओगे। सिर्फ फालतू बातें मत कीजिए आप मौसी, अगर मुझे कुछ हो गया तो बल्लू की जायदाद से जो पैसा आने वाला है उस पर ऐश कौन करेगा? पुत्र अगर तुम इस बात के लिए चिंतित हो रहे हो तो मत हो, तुम शांत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे बाद तुम्हारा ये सपना तो मैं पूरा कर दूंगी, वादा वादा। कोई जरूरत नहीं, इस दौलत के लिए मेहनत मैंने की है और इस पर ऐश भी मैं ही करूंगा। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि अंकल मामा कहाँ गए हुए इस वक्त? अरे और कहाँ जाएंगे, वो सुहासनी के अश्रु पहुंचने चले गए होंगे। और सुहासनी आंटी वो कहाँ है? पता नहीं है, सुबह से मुझे दिख नहीं रही है कि वो कहाँ है। क्या हुआ, तुम्हारे आशिक ने तुम्हें रखा नहीं? तुम्हारे जैसी बेशरम औरत आज तक नहीं देखी, तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकाला, उसके बाद भी वापस आ गई। ये मेरा घर है और यहां से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पति का घर है। शायद आप भूल गए कि शादी के बाद पति की जायदाद पर पत्नी का बराबर का हक होता है। वकील को कानून सिखा रही है? नहीं, कायदा बता रही है जो शायद आप भूल चुके हैं। मुझे तुमसे कायदा सीखने की जरूरत नहीं है। आपको मुझसे ही नहीं, सारी दुनिया से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आप सब कुछ भूल चुके हैं। मैं भूल चुका हूं? नहीं सुहासनी, मैं कुछ भी नहीं भूला, सब कुछ मुझे याद है। अपने प्रेमी के साथ तुम्हारा रंगरेलिया मनाना और उससे एक नाजायज बेटी को जन्म देना और उस नाजायज बेटी के द्वारा मेरी जायज बेटी की हत्या और अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसी नाजायज बेटी का कन्यादान करना, कुछ भी नहीं भूला हूं सुहासनी, मुझे एक एक शब्द एक एक घटना एज इट इज याद है, ये मरते दम तक याद रहेगा। सिर्फ यही बातें आपको याद है, कुछ अच्छी बातें भी याद है? याद आती है, मुझे अच्छी बातें भी याद आती है। अचानक लगता है कि वो सब कुछ झूठ था, फरेब था। तुम्हारा असली चेहरा अब सामने आया है मेरे पास। इंसान वही देखता है जो वो देखना चाहता है। नहीं, मैं ये सब नहीं देखना चाहता था सुहासनी, मैं बिल्कुल ये सब नहीं देखना चाहता था, लेकिन आज जो दिन मुझे देखने पड़ रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मेहरबानी। लेकिन मैं तुम्हें सफाई क्यों दे रहा हूं है? तुम यहां क्यों आई हो? एक ही दिन में बीके राजपूत का मन भर गया तुमसे जो तुम्हें यहां छोड़ गया? छी। अच्छा छी, मैं कहूं तो छी और तुम करो तो रासलीला। आप सचमुच अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। होश में रह के बात करो, मेरे घर में खड़ी होके मुझे ही पागल कह रही हो तुम? मैं पागल नहीं कह रही हूं, पर जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते पर ज्यादा दिन तक सही नहीं रह पाएंगे। तुम तो यही चाहोगी ना कि मैं पागल हो जाऊं, ताकि तुम अपने प्रेमी के साथ तुम्हारी नाजायज बेटी मेरी दौलत के साथ ऐश कर सके। बंद कर अपनी घटिया बातें, सिर्फ तुमसे बातें करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन तुम वहीं क्यों नहीं चली जाती जहां छोड़ के आया था तुम्हें? कहीं नहीं जाऊंगी मैं, चाहे आप मेरे साथ बुरा सलूक क्यों ना करें। अरे तुम्हें यहां रहने दूंगा तब ना, हैं? मंगल सूत्र मेरे नाम का पहनो और मंगल किसी और का करो। वाह, दूसरों के पाप धोने का ठेका नहीं ले रखा है मैंने,
जाऊंगी, वहीं तुम्हें छोड़ के आऊंगा। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम जाओगी कैसे नहीं सुहासिनी, चलो छोड़ दीजिए सुहासिनी, छोड़ दीजिए, छोड़ नहीं दीजिए, चलो छोड़ दीजिए, चलो छोड़ दीजिए, चल छोड़ दीजिए मुझे, चल दबाओ जा मेरे घर से, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बदकार औरत, चल मैं कहीं नहीं जाऊंगी, भगवान के लिए मुझे अपने घर से मत निकालिए। घर गृहणियों का होता है, तुम जैसी औरतें कहाँ रहती है तेरे को अच्छी तरह पता है, चल नहीं ऐसा मत कीजिए, चल अब जो कहेंगे जैसा कहेंगे सब करोगे, मत करिए, चल मत निकालिए मुझे, चल चल। घर गृहणियों का होता है, तुम जैसी औरतें कहाँ रहती है तेरे को अच्छी तरह पता है, चल नहीं ऐसा मत कीजिए, चल अब जो कहेंगे जैसा कहेंगे, चल चल खबरदार, जो ऐसी गलती करने की जरूरत की तो आ गए तुम्हारे आशिक, इसे कहते हैं मोहब्बत। माशूका को कुछ कहो नहीं कि चोट सीधी सीधी आशिक के दिल पे जाके लगती। बंद कर अपनी घटिया जुबान, काश काश के तुझे सिखाया गया होता तेरी तरबत इस तरह से होती कि तू औरत की इज्जत करना जाने। नहीं, अरे मुझे कहा था इज्जत कर, इज्जत करना तो कोई तुमसे सीखे, तुम तो औरतों की इतनी इज्जत करते हो कि तुम्हारी इज्जत पाके कुछ औरतें इतना बसिज गई कि शादी के पहले ही अपनी इज्जत को तुम्हारे हवाले कर। ये जुर्रत के तो ऐसी घटिया बातें करे, अच्छा तुम करो तो भी दोष नहीं है, और मैं कहने की भी जुर्रत ना करूं। देखो सुबह मुझे कुछ देखना सुनना नहीं है, इस औरत को जब मैं तुम्हारे पास छोड़कर आया था तो यहाँ क्या करने आ गई है? अपनी आस्था पूरी करने आई थी, अपने इस भगवान की भक्ति करने आई थी, इस आस उम्मीद के साथ कि शायद इसका घर संवर जाए, इसका घर बच जाए। हिंदुस्तानी औरत है ना, अपनी आखिरी सांस तक अपने पति की सेवा करना चाहती है। अरे वाह, इनकी सेवा के बोझ से तो मैं आज तक नहीं उबर पाया, अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो इसके पहले कि मेरा पारा चढ़े, इसको ले जाओ यहां से, ले जाओ इसको यहां से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पागल मत बनो सुहासिनी, इस आदमी को तुम्हारी कोई कदर नहीं है। कदर मुझे तो ना सही, फिर भी पति तो मेरे यही रहेंगे ना, इस जन्म में भी और अगले 7 जन्म में। मतलब मैं तुम्हारा पति रहूंगा और ये तुम्हारा प्रेमी, तो 7 जन्म तक मुझे चैन नहीं लेने दोगी ना तुम? मैं तुम्हें और तुम्हारे इस नाजायज रिश्ते को 7 जन्म तक बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे इसी जन्म जन्म की छोड़ो, मुझे आज और अभी छुटकारा चाहिए तुम। चलो चलो जाओ, खबरदार जो से छूने की हिम्मत भी की तो। मतलब एक पति ही अपनी पत्नी को छू भी नहीं सकता, पर आशिक ऐश करता रहे। बंद कर अपनी घटिया बात। अरे क्या जमाना आ गया है, चोरी ऊपर से सीना चोरी, आजकल लुच्चे और लंपट लोग भी ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। मैं जो भी हूं जैसा भी हूं लेकिन तुमसे बेहतर जरूर सुबोधकान। सुन लो सुहासिनी देवी, सुन लो, ये मुझसे बेहतर है, इसीलिए तो कह रहा हूं कि निकल जाओ, जाओ चले जाओ इनके साथ। बहुत बोल चुके तुम और बहुत सुन चुका मैं, जब तक तुम मरोगे नहीं ना तब तक तुम्हारी ये जुबान भी बंद नहीं करूंगी, और अब मेरे ये कान तुम्हारी ये कचकच सुनने को तैयार नहीं, आज तुझे तेरी आखिरी मंजिल तक पहुंचाई देता हूं मैं। ऐसा मत कीजिए भगवान के लिए, ऐसा कुछ मत कीजिए। हट, अगर तुम चाहती हो सुहासिनी कि जहां पर लाशें न गिरे ना, निकल जाओ इसके साथ, अभी निकल जाओ तुम। चले जाते हो, चले जाते हो, भगवान के लिए पागलपन छोड़ दीजिए, चले जाओ, ये सब बंद कर दीजिए। अरे क्या बंद कर दीजिए, हट जाओ सुहासिनी, आज मुझे फैसला कर लेने दो, वरना आज मेरी लाश जरूर गिरेगी। कह देती हूँ मेरी लाश।
मेरी थी जो मैं यहाँ चली आई। मुझे नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था।